हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा है जेनेटिक्स के, तो आप मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां पे जाइए, पहले आप तीनों लॉज देखिए, उसके बाद हम देखिए मेंडल्स कंक्लूजन। ओके, तो हमने जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो मेंडल्स के लॉज हैं उसे कंप्लीट किया है, तो हम क्या करेंगे, अब जो मेंडल्स ने कंक्लूजन निकाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के, उसको देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी जो मेंडल्स के जो लॉज है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ऑलरेडी हमने वो डिस्कस कर लिया है। तो हम देखते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो क्या कंक्लूजन निकाले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंडल्स ने क्या कंक्लूजन निकाले, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्लूजन क्या है कि द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे टर्म क्या आया, फैक्टर। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट हैं ये 19th सेंचुरी में किए थे। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था कि साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, और साथ ही साथ मेंडल्स ने देखा कि कुछ जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मीन्स द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, बट तब तक साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि वो उसे जो है कोई पर्टिकुलर नाम दे या, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें नाम दिया फैक्टर्स, यानी कि देयर आर सम फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो अब जैसे कि ओल्ड डेज में हम लोग उसे फैक्टर बोलते हैं, अगर न्यू डेज में हम देखें मॉडर्न अगर डेज की हम बात करें तो मॉडर्न में हम लोग क्या बोलेंगे उसे, जीन्स। क्या बोलेंगे, जीन्स। मीन्स उस टाइम तक देखिए किसी को नहीं पता था कि जीन्स भी कुछ होती हैं, इसलिए मेंडल ने इसे टर्म दिया था फैक्टर। ठीक, यानी कुछ फैक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी वजह से जो ट्रेट्स हैं या जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में। ये मेंडल ने कैसे किया, मेंडल ने अपनी जितना भी उनके पास जितनी भी नॉलेज थी, चाहे वो साइंस की हो चाहे मैथमेटिक्स की हो, उस नॉलेज की बेस पे उन्होंने जो है टर्म दिया फैक्टर, और उसके बेस पे ही उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट किए। ठीक है, क्योंकि उस जमाने पे क्या था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स भी यूज की जाएगी। ठीक है, लेकिन मेंडल ने देखिए उनका कितना अच्छा आईक्यू था कि उन्होंने बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया, और उसकी बेस पे उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज किए, फिर उनके पास रेशियो उन्होंने ऑब्टेन किया। तो उस टाइम पे देखिए 19th सेंचुरी भी, जबकि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उस टाइम पे कि हम लोग बायो में जो है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने उस टाइम उन्हें क्या टर्म दिया, उन्हें फैक्टर टर्म दिया, जिसे मॉडर्न डेज में जीन्स बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न नेम क्या हो गया उन फैक्टर्स का, जीन्स। ओके, सो मेंडल ने बोला कि अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि देयर आर सम फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला जो कंक्लूजन निकला मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, द जीन्स दैट कंट्रोल अ पार्टिकुलर ट्रेट अकर्स इन पेयर्स। क्लियर, इन्होंने क्या बोला कि अब कोई पार्टिकुलर ट्रेट है, जैसे हम लोग कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, सपोज हाइट क्या हमने ले लिया, हाइट एक कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, अब हाइट में क्या है, दो ट्रेट्स होंगी, कितनी ट्रेट्स होंगी, दो, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ओके, टॉल होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर उनका जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी, तब भी टॉल होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी तब वो टॉल होगा। ड्वार्फ की क्या पॉसिबिलिटी है, उनका जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए ये कैरेक्टर हो गया, हाइट ले लिया और ट्रेट्स कैप टॉल या डॉर्फ। ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्या दिया है, जीन्स दैट कंट्रोल अ पार्टिकुलर ट्रेट अकर इन पेयर्स। ओके, तो इसमें देखिए एक पेयर में दो एलील्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन टू दूसरा जनरेशन में, ठीक है, तो जो जीन्स होंगी वो ऑलवेज दे विल बी इन अ पेयर। ठीक है, देखिए इसमें भी एक एलील है, एक ये एलील है, टू एलील है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया कि जीन्स दैट कंट्रोल अ पार्टिकुलर ट्रेट ऑलवेज दे अकर इन अ पेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंक्लूजन। लेकिन अब अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सेल्स की, यहां पे एक एक्सेप्शन है,
ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें, फॉर सपोज रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जीन जो होगा वो सिंगल होगा, वो सिर्फ सिंगल ट्रेट को, फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल जीन, सिंगल जीन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट, पार्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। जैसा हमने इसमें देखा कि जो जीन है वो ऑलवेज इट इज इन पेयर, बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल द जीन ऑफ अ विल बी अ सिंगल ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट, ओके, मींस सिंगल जीन विल बी फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, तो ये एक्सेप्शन है, क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये हमारे दो हो गए कंक्लूजन। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, नेक्स्ट कंक्लूजन मेंडल ने बोला कि व्हेन आर जीन्स कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट आर डिफरेंट देन द इफेक्ट ऑफ वन विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द अदर रिमेन हिडन, ओके। इसका मतलब जो एक्सप्रेस कर रही है जनरेशन में उसे उन्होंने डोमिनेंट बोल दिया, और जो हिडन है उसे उन्होंने रिसेसिव बोल दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया, रिसेसिव। जैसा कि मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको बताया था, ठीक है, क्या था उसमें, हम लोगों ने दो प्योर टॉल लिया और प्योर डॉर्फ लिया, उसका क्रॉस करा दी तो हमें फोर प्लांट मिले जो कि सारे टॉल थे, ठीक है। इसमें कैपिटल टी क्या है, ये डोमिनेंट है, देखिए, जिसकी वजह से जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं वो सब टॉल थे, लेकिन जब इन्होंने दो प्लांट लिए F1 जनरेशन से, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस कराया, तब क्या हुआ, तब इन्होंने क्या देखा कि तब इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में एक ऐसा प्लांट भी आ रहा है जो डॉर्फ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि क्या है, अब इसमें देखिए F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, मतलब कैपिटल टी क्या है वो डोमिनेंट था, और वो क्या कर रहा है, स्मॉल टी को के इफेक्ट को मास्क कर रहा था, ओके। वहीं अगर F2 जनरेशन में क्या देखा हमने कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, तीन प्लांट तो टॉल निकले, टॉल कितने निकले, 3, लेकिन एक डॉर्फ भी आया, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बोला, अच्छा तो मतलब कि ये जो कैपिटल टी है इट इज डोमिनेंट इन नेचर, ओके, तो इट इज मास्किंग और हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर एलील दैट इज स्मॉल टी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट जो है वो आपको डॉर्फ नहीं मिला, लेकिन F2 जनरेशन में आपको एक प्लांट क्या है वो डॉर्फ मिला, ठीक है। तो ये क्या था, इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं कि ठीक है कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम ईच अदर, ओके। तो यही क्या हुआ हमारा, ये थर्ड कंक्लूजन हुआ, means when the genes controlling a particular trait are different then the effect of one will be observed while the other remain hidden, clear। तो देखिए F1 generation में एक जो capital T है वो dominant था, वहीं F2 generation में क्या हुआ, small T जो है वो भी appear हुआ, ठीक है। यानी F1 generation में सारे tall plant मिले क्योंकि जो capital T allele present था which is dominant in nature, but in F2 generation में क्या हुआ, we got one dwarf plant also, ओके। तो इसका मतलब क्या है, जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो हिडन था, तो ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द जीन्स कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट आर सेपरेटेड, देयरफॉर ईच गैमेट कैरी ओनली वन जीन ऑफ ईच पेयर, ओके। तो इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस मींस व्हेन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस देन द जीन्स कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट आर सेपरेटेड, तब क्या होंगे, जीन्स होंगे जो एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, दे विल गेट सेपरेटेड, ओके। देयरफॉर ईच गैमेट कैरी ओनली वन जीन ऑफ ईच पेयर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो ईच गैमेट होगा इट विल कैरी ओनली वन जीन ऑफ ईच पेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हम लोग देख लें, एक ये जीन पेयर हो गया, ओके, कैपिटल टी, या हम एग्जांपल ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फोर्थ कंक्लूजन कि ये जो है कैपिटल टी इट इज होमोजाइगस, ठीक है, ये होमोजाइगस, इसकी वजह से इसमें सिर्फ एक एलील आएगा,
ठीक है, एक गैमिट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हेड टू जैगस है, तो इससे देखिए एक कैपिटल टी ये आएगा और साथ में एक स्मॉल टी आएगा, तो इसमें टू टाइप्स ऑफ गैमिट आएंगे। ओके क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द जीन्स कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट आर सेपरेटेड। तो इस जो पेयर है एलील्स का, ठीक है, जो जीन पेयर है उसमें से क्या होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस गैमिट विल फॉर्म, तो कैपिटल टी कैपिटल सी सिर्फ एक ही गैमिट आएगा, ठीक है। अब ये गैमिट जो है कैपिटल टी, ओके, इट विल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ ईच पेयर। ओके देखिए इसमें कैपिटल टी है, तो इसका जो गैमिट बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी ओनली। क्लियर। दूसरे केस में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें कितने गैमिट बनेंगे, क्योंकि हेट हो जाएगा, इसमें दो गैमिट आएंगे, एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें दो गैमिट आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके अब ईच गैमिट कैरी वन जीन ऑफ ईच पेयर, ठीक है, तो हर गैमिट क्या करेगा, इट विल कैरी वन पेयर ऑफ ईच जीन, वन जीन ऑफ ईच पेयर। ओके तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन था। फिफ्थ कंक्लूजन क्या है, फिफ्थ कंक्लूजन है एट फर्टिलाइजेशन देयर इज अ रैंडम यूनियन ऑफ गैमिट्स विच रिजल्ट इन द प्रेडिक्टेबल रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेट्स अमंग द ऑफस्प्रिंग। क्लियर। तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन के क्या टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी अ रैंडम यूनियन ऑफ द गैमिट्स टेक्स प्लेस। ओके मींस सपोज एक गैमिट इधर से आ गया पेरेंट्स से, यानी कि सपोज अगर फादर्स की बात करें, फादर या मदर से, ठीक है, तो देयर विल बी अ सम रैंडम यूनियन ऑफ गैमिट्स विल टेक प्लेस। ओके सपोज इधर से वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया। ओके तो इस टाइप से क्या होगा, देयर विल बी अ रैंडम यूनियन ऑफ द गैमिट टेक्स प्लेस, ओके, एट फर्टिलाइजेशन, ओके, एंड विच रिजल्ट्स इन अ प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेबल रेशियो ऑफ द अल्टरनेटिव ट्रेट्स अमंग द ऑफस्प्रिंग। ओके अगर यही प्लांट की हम लोग बात करें, तो प्लांट में क्या होगा, सपोज कैपिटल टी इधर स्मॉल टी, या हम बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके तो इसमें से क्या आया, कैपिटल टी आया, इधर से कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया। क्लियर। अब क्या हो सकता है, ये कैपिटल टी वाला इससे भी मिल सकता है और ये वाला भी इससे भी मिल सकता है। क्लियर। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, तो देयर विल बी अ रैंडम यूनियन ऑफ द गैमिट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन अ प्रेडिक्टेबल रेशियो ऑफ एन अल्टरनेटिव ट्रेट्स अमंग द ऑफस्प्रिंग। ओके तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कंक्लूजन। सिक्स्थ कंक्लूजन क्या है, When two pairs of traits are studied in the same cross, they are found to assort independently of each other. Okay, तो इससे क्या मतलब है, जैसा कि हम लोगों ने law of independent assortment में देखा था, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, law of independent assortment. Okay, तो इस conclusion का मतलब क्या है कि अगर हम लोग suppose एक character height का ले लें, ठीक है, सपोज हाइट हम लोग ने ले लिया हाइट, और दूसरा फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर अगर हमने दो कैरेक्टर ले लिए, ठीक है, तो हाइट में क्या होगा, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या हम लोग इसे ऐसे समझते हैं, थोड़ा ऊपर हम लोग लिख के समझते हैं, इट विल बी बेटर, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सपोज ये हाइट हो गया हाइट, तो हाइट में दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, आइदर द प्लांट विल बी अ टॉल और इट विल बी अ ड्वार्फ। ओके तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी। तो सेम चीज अगर हम लोग फ्लावर कलर के लिए देखें, अगर हम लोग फ्लावर कलर का लेते हैं, फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर में सपोज पर्पल और दूसरा वाइट, तो दो ट्रेट्स होंगी, ठीक है। अगर हम हाइट का कैरेक्टर लेंगे तो उसमें दो ट्रेट होंगी डॉल या डॉर्फ, अगर फ्लावर कलर का कैरेक्टर लेंगे तो उसमें दो ट्रेट्स होंगी पर्पल या वाइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हम लोग सकते मेंडेल का जो सिक्स कंक्लूजन था वो क्या था, अब एट अ टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द कैरेक्टर विल नॉट लाइक द कैरेक्टर विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ओके या हम लोग बोल सकते हैं ट्रेट्स विल सेपरेट, ट्रेट्स विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड दे विल सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके इसके लिए भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, ठीक है, अगर
फ्लावर कलर के लिए, इसके लिए भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विल वर्क, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, एंड फॉर दिस कैरेक्टर आल्सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विल वर्क. तो बोथ द कैरेक्टर लाइक द हाइट एंड फ्लावर कलर, देयर द गैमेट विल सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, तो मेंडल सिक्स कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या था कि द कैरेक्टर और द ट्रेट ऑफ वन कैरेक्टर इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द अदर ट्रेट. ओके, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे ये जो है हाइट का कैरेक्टर इट विल सेग्रीगेट सेपरेटली, एंड द फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है या ट्रेट से इट विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली. ओके, तो ये नहीं कि टॉल अगर प्लांट है तो उसका जो फ्लावर है वो पर्पल ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी. वहीं अगर प्लांट टॉल है तो ये भी नेसेसरी नहीं कि उसका जो फ्लावर है वो वाइट हो. ठीक है, इसी तरह अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो ये नेसेसरी नहीं कि उसका जो फ्लावर का कलर होगा वो पर्पल होगा. या अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो जो प्लांट का जो फ्लावर का जो कलर है वो वाइट होगा. मतलब क्या है, ये ट्रेट जो है इट इज नॉट हैविंग एनी इन्फ्लुएंस ऑन द अदर ट्रेट, मीन द कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ हाइट इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द अदर कैरेक्टर और ट्रेट. तो ये क्या है, मेंडल का सिक्स कंक्लूजन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, तो यही था मेंडल्स के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और अब इसके साथ साथ उन्होंने जितने लॉज दिए उनकी बेस पे. ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं. ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तो हमारे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाई मेंडल है चूजन द पी प्लांट. ओके, तो रीजन हम लोग देखेंगे. ठीक है, कि व्हाई मेंडल है चूजन द पी प्लांट एंड व्हाई ही इज वेरी लकी इन चूजिंग द पी प्लांट. ओके, तो डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.